तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो भाई आज सबको आज मैं बताऊंगा। तो भाई असल में मैंने वीडियो बहुत देखा हूँ यूट्यूब पर मुझे इस बारे में वीडियो नहीं मिली है। तो आज उस बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। तो भाई बहुत जनों का सवाल रहता डिलीवरी के बाद जब कैट की जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको डिवॉर्मिंग कब कराए, कितने टाइम में कराए, कितने दिन में कराए, जिससे बच्चों को भी ना नुकसान हो ना कुछ हो, ना उनके मिल्क में उनके पेट में कीड़े हो बच्चों के भी। तो भाई आज इस बारे में हम बताने वाले हैं आज। तो भाई जो डिवॉर्मिंग रहता है तो इनके पेट के जो कीड़े आते हैं, वॉर्म्स आते हैं, तो उनको मारने के लिए डिवॉर्मिंग कराना ज़रूरी है। तो भाई डिवॉर्मिंग कब कराना है इसकी, तो भाई जब वो किटन्स दे डालती है उसको किटन्स दे के 15 से 20 दिन हो रहे हैं जब, तो जब अपनी आप कैट को डिवॉर्मिंग करा दीजिए तो उसके जो पेट में जो कीड़े रहेंगे तो वो भी मर जाएंगे और बच्चों को भी मिल्क अच्छा जाएगा और बच्चों के भी पेट में कीड़े वीड़े वो नहीं रहेंगे। तो भाई ऐसा डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है इनकी, क्योंकि डिवॉर्मिंग कराए पता है ना कि और अच्छे और हेल्दी कैट्स रहते हैं अपने। तो भाई बहुत जने हैं ना कि डिवॉर्मिंग नहीं कराते, उनको समझ में नहीं आता है डिलीवरी के बाद कराना कब कराना डिवॉर्मिंग। तो भाई 15 दिन हो गए, जैसे जैसे 15 से 16 दिन हो गए या 20 दिन हो गए, तो भाई वो टाइम आप आपकी कैट की डिवॉर्मिंग करा दीजिए। और कभी कुछ जानकारी चाहिए आपको डिवॉर्मिंग के वास्ते या और किसी चीज़ के वास्ते तो मुझे आप कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। तो शुक्रिया भाई आप लोगों का। तो भाई चैनल को कुछ जने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भाई उनसे ये चाहता हूँ मैं, भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इंशाल्लाह आपको सही सही इन्फॉर्मेशन और जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छी मिलेंगी। तो शुक्रिया भाई आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के वास्ते। तो शुक्रिया भाई।